हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आईएएस फॉर्म 2019 को भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले गूगल पे जाके आप यूपीएससी ऑनलाइन को सर्च कर सकते हैं। upsconline.nic.in के लिंक को हमें क्लिक करना है। इसके बाद हम upsconline.nic.in के पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बाकी सारे ऑप्शन इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड नहीं है। इस एग्ज़ाम में ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन उपलब्ध नहीं है, जो कि पिछली बार NDA एग्ज़ाम में उपलब्ध था। लिंक को क्लिक करने पे हमें सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का ये फॉर्म पेज दिख जाएगा, जिसमें हमें दो लिंक दिखाई देंगे। एक तो पार्ट वन के लिए यानी भाग एक के लिए और दूसरा भाग दो के लिए। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2019 है और 19 फरवरी के बाद जो फॉर्म भरे गए हैं केवल वही मान्य माने जाएंगे, ऐसा UPSC ने अपने नोटिस में लिखा हुआ है। पार्ट वन के लिंक को क्लिक करने पर हमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का पेज मिलता है। ये इंस्ट्रक्शंस सिविल सेवा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसको बिना पढ़े आप फॉर्म नहीं भर सकते। पॉइंट नंबर दो हमें ये बताता है कि आने वाले फॉर्म में जिन भी फील्ड्स पर एस्टेरिस का मार्क्स लगा हुआ है उन्हें बिना भरे हम फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिन भी फील्ड्स पे एस्टेरिस का मार्क लगा है उन्हें भरना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर तीन में हमें यह जानकारी दी गई है कि 18 मार्च को शाम 6 बजे तक जो फॉर्म सबमिट करी जाएंगे वही मान्य माने जाएंगे, उसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर फोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें ये बताया गया है कि ये फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही भरा जा सकता है। पॉइंट नंबर फाइव बताता है कि इस एप्लीकेशन में दो पार्ट हैं। पार्ट वन जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है, पार्ट टू आपकी फ़ीस पेमेंट, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, फोटोग्राफ्स, फोटो आईडी कार्ड तथा डिक्लेरेशन से संबंधित है। पॉइंट एट हमें ये बताता है कि जो फॉर्म 19 फरवरी 2019 से 18 मार्च 2019 के शाम 6 बजे तक भरे जाएंगे उन्हें ही वैध माना जाएगा, यानी इसके बाद और इससे पहले जो फॉर्म भरे गए हैं उनको वैध नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट 10 आपको ये बताता है कि आई एग्री बटन दबाने पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो कि पूरी परीक्षा के दौरान आपके लिए सहायक रहेगा। पॉइंट नंबर 11 से लेकर 13 तक UPSC ने फोटोग्राफ तथा डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के साइज़ के बारे में जानकारी दी है। स्कैन फोटोग्राफ्स JPG फॉर्मेट में होने चाहिए जिनका साइज़ 300 KB से ज़्यादा ना हो और 20 KB से कम ना हो। UPSC ने फोटोग्राफ के रेजोल्यूशन के बारे में भी बताया है जो कि 350 पिक्सल होना चाहिए। फ़ोटो एडिट करने के लिए आप MS पेंट या माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 13 में बताया गया है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आप अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, अन्य किसी फॉर्मेट का मान्य नहीं होगा। इसका साइज़ भी 300 KB से ज़्यादा ना हो और 20 KB से कम ना हो। पॉइंट नंबर 14 में यह बताया गया है कि कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन फ़ीस SBI नेट बैंकिंग के थ्रू या कैश के थ्रू भी SBI बैंक में चालान जमा करके कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 में पे बाय कैश मोड ऑप्शन वालों के लिए जानकारी दी गई है कि जो लोग SBI ब्रांच में जाके पे इन स्लिप के द्वारा अपना फ़ीस डिपॉजिट करना चाहते हैं उनके लिए आखिरी तारीख 17 मार्च 2019 होगी। पॉइंट नंबर 17 बताता है कि जिन कैटेगरीज के लिए एग्जेम्पशन है वो 14 से 16 को छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह बताया गया है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन इन सब को एक बार सबमिट करने के बाद बदला नहीं जा सकता है। इसलिए सबमिट करने से पहले इन सभी ऑप्शंस को एक बार डबल चेक कर लें। पॉइंट नंबर 19 पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बताता है कि जो अभ्यर्थी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के हैं उनके लिए यह पेपर अनिवार्य नहीं है। पॉइंट नंबर 20 हमें फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर तथा उसको अपलोड करने के ज़रिए को बताता है और साथ में ये भी बताता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम यानी IAS इंटरव्यू के टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको UPSC हॉल में ले जाने होंगे। पॉइंट नंबर 20 बताता है कि जब आप अपना
फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे तो एक ईमेल आपको आपके दिए गए मेल आईडी पे भेजा जाएगा, उसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 22 आपको ये बताता है कि 40% डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी यानी PHBW कैंडिडेट नहीं माना जाएगा और उन्हें कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको हाँ पे क्लिक करना है, जिसका मतलब ये है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और समझ भी लिए हैं। हाँ बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। नाम के कॉलम में आपको वही नाम की स्पेलिंग भरनी है जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखी हुई है। उसके बाद आपको अपना जेंडर भरना है, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष भरिए, महिला हैं तो महिला भरिए। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो कि डे, मंथ और ईयर, जैसा कि आपकी हाई स्कूल या मैट्रिक की परीक्षा प्रमाण पत्र में लिखा है वही यहाँ भरना है, वही मान्य होगा। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपने माताजी का नाम भरना है। उसके बाद आपको अपनी राष्ट्रीयता बतानी है कि क्या आप भारतीय हैं या कि अन्य हैं। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपने मैरिटल स्टेटस बताना है, और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है यानी दिव्यांग श्रेणी के हैं तो आपको इस कॉलम को भी टिक करना है। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपनी कम्युनिटी भरनी है, इसमें EWS, जनरल, OBC तथा SC और ST कैटेगरीज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप ऑप्शंस देख के अपनी कम्युनिटी भर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना माइनॉरिटी स्टेटस भरना है, यदि आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उसमें यस भर दीजिए, अन्यथा नो भर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि फी रेमिशंस अलाउड है कि नहीं। ये ऑप्शन आपको भरना नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा आपके ऊपर दिए गए ऑप्शंस के भरने के अनुसार। यदि आप जनरल हैं, OBC हैं या EWS हैं तो यहाँ पे नो रहेगा, और यदि आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस रहेगा। अगला सेक्शन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है। पहले ऑप्शन में आपको ये भरना है कि क्या आपने डिग्री कोर्स पास कर लिया है या आप अभी अपीयरिंग में हैं। उसके बाद अगर आपने पास कर लिया है या अपीयरिंग में हैं तो आपको सेकेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये भरना है कि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है। अगला सेक्शन आपके एड्रेस का है। लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 में आप अपना पूरा पता भर सकते हैं। उसके बाद आपको दिए गए कॉलम में अपना डिस्ट्रिक्ट या शहर भरना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी को चुनना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना पिन कोड भरना है। अगर आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है तो उसका विवरण आप यहाँ भर सकते हैं, और मोबाइल का विवरण यहाँ भरना है। मोबाइल ऑप्शन पर एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, यानी इसका मतलब यह है कि मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का भरना है, इसमें कोई भी कंट्री कोड नहीं लगाना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना ईमेल आईडी भरना है और उसको कंफर्म भी करना है। ईमेल आईडी भी कंपलसरी है, साथ ही साथ आप अपना एक अल्टरनेटिव ईमेल भी दे सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो। सारी जानकारी भरने तथा एक बार क्रॉस चेक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपको कोई जानकारी बदलनी है तो वापस से इस फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं, जिससे कि पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा और आप सारी जानकारी दोबारा भर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे अपनी एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछी गई जानकारी का विवरण देना है। इसमें पूछा गया है कि क्या आपको आयु में छूट का दावा करना है या नहीं करना है, तो आप अपना ऑप्शन अपने विवरण के अनुसार चुन सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के भाग वन यानी पार्ट वन रजिस्ट्रेशन के और जानकारी को भरने के लिए नेक्स्ट स्टेप के फील्ड्स को भरना होगा। इसमें पहला है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। आप इस फॉर्म में अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू स्टेट फ़ोटो आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भर सकते हैं। इस पहचान प्रमाण पत्र को भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसकी संख्या को भरना होगा और उसकी पुष्टि भी करनी होगी। नेक्स्ट कॉलम में आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स, जो फाइनल ईयर में आपके मार्क्स होंगे, उनको भरना होगा। अगर आपने CGPA के अंतर्गत अपना ग्रेजुएशन किया है तो इसमें सीरियल नंबर 9 तक की जानकारी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भरने हैं। अगर आप पहली बार अपीयर कर रहे हैं तो 0, या जो भी आपका अटेम्प्ट हो 1, 2 या 3
वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी को भरेंगे। इसके लिए पहले कॉलम में हम सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन यानी मेंस के लिए परीक्षा केंद्र का चयन करेंगे। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें सारे ही परीक्षा केंद्र के बारे में दिया गया है जिसमें से हमें किसी एक को चुनना होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हमें लैंग्वेज फॉर द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to पेपर 5 यानी GS के चारों पेपर तथा SA पेपर के लिए अपना भाषा का माध्यम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है जो कि पेपर 6 और पेपर 7 है। यह ऑप्शनल पेपर हम गिविन लिस्ट में से ही चुन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का माध्यम भरना है जो कि आपको इस गिविन लिस्ट में से मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 1 और पेपर 5 के लिए अगर आपने हिंदी को चुना है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर आपने पेपर 1 to पेपर 5 में केवल इंग्लिश से चुनाव किया है तो इस फील्ड में सिर्फ इंग्लिश ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमको अपना लैंग्वेज पेपर के चुनाव करना है। जो अभ्यर्थी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या सिक्किम से आए हैं उनको इंडियन लैंग्वेज पेपर ए में एग्जेम्पशन मिल जाता है। उसके लिए उसे यहाँ यस भरना होगा और जो लोग वहाँ के नहीं हैं उनके लिए ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नो ही रहेगा। इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने लैंग्वेज पेपर का चुनाव करना है और कंटिन्यू को दबा देना है। कंटिन्यू को दबाने के बाद आपको अपने फॉर्म का एक प्रीव्यू मिल जाएगा। अगर आप अपने द्वारा भरी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कैप्चा कोड को भर के इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अगर आप इसमें सुधार चाहते हैं तो अपडेट का बटन दबाकर आप वापस से पुराने फॉर्म्स पर जाकर अपनी कोई भी जानकारी को एडिट करके सही कर सकते हैं। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद आपको अपने पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का एक समरी स्क्रीन पे दिख जाएगा। स्क्रीन पर दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद आप अपने स्लिप को प्रिंट भी कर सकते हैं और पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको पार्ट 1 से जनरेटेड रजिस्ट्रेशन ID इस बॉक्स में भरना होगा तथा अपनी डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में भरनी होगी। साथ में आपको ये कैप्चा भी भरना होगा और कैप्चा भरने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। आप किसी भी एक का चुनाव करके अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। फ़ीस जमा करने के बाद हमें अपने IAS प्रीलिम्स के लिए सेंटर को सिलेक्ट करना होगा। परीक्षा केंद्र के चयन के लिए इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से किसी भी एक ऑप्शन को चुन के हम उसको सबमिट कर सकते हैं। यह फील्ड मैंडेटरी है और इसको बाद में बदला नहीं जा सकता। फ़ोटो साइन और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को इस बटन को दबाकर आप अपलोड कर सकते हैं। UPSC ने फ़ोटोज तथा सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको फॉर्मेट्स प्रदान किए हुए हैं। ध्यान रखिए, इन्हीं फॉर्मेट्स में दिए गए सिग्नेचर्स और फ़ोटो मान्य होंगे। फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन आएगा जिसे आप एग्री करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए सहायक होगी। IAS प्रीलिम्स के फॉर्म से जुड़ी हुई किसी भी कठिनाई या प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके प्रश्न या कठिनाई को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।